नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साकी कंप्यूटर में। और मेरा नाम है सचिन साक। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स सिखाने वाले हैं जिनको आप सीखकर आपका काम इतना आसान हो जाएगा और आप भी कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। तो दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक हमारी कि जब भी हम कोई हिंदी में लेटर टाइप करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी हमें हिंदी लिखनी होती है, कभी इंग्लिश लिखनी होती है, तो बार बार हमें फॉन्ट चेंज करना पड़ता है। या फिर खास करके जब जब इस तरह के अगर हम कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो जिसमें ऑप्शन हमें लिखने होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो उसमें क्या होता है, कभी इंग्लिश लगानी होती है, कभी हिंदी लगानी होती है, फिर कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, तो इसमें क्या होता है, हमें बार बार फॉन्ट चेंज करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम जो फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं उनकी हम शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, कि हम केवल शॉर्टकट की दबाएं और वो हमारा फॉन्ट चेंज हो जाए। तो देखिए दोस्तों, उसको कैसे करेंगे। आपका ये जो रिबन है, आपको रिबन पे कहीं भी राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने का ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट में आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये कस्टमाइज कीबोर्ड का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ क्लिक करके FONT टाइप करना है, FONT, और फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए तो राइट साइड में आपके सारे फॉन्ट निकल करके आ जाएंगे। इस तरफ क्लिक करिए और यहाँ पे आपने टाइप किया KRUT, और KRUT लिखते ही कृति देव फॉन्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। प्रेस न्यू शॉर्टकट की में आपको यहाँ पे उसकी एक शॉर्टकट की बनानी है, और अगर ऐसी शॉर्टकट की आपको बनानी है जो पहले से किसी ऑप्शन की ना हो, जैसे मान लेते हमने Ctrl K अगर यहाँ पे दबाया तो यहाँ पे आपको ये दिखा देगा, ये दिखा रहा है कि करेंटली अजाइन टू इंसर्ट हाइपरलिंक की, ये शॉर्टकट की इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए पहले से अजाइन है, तो आपको ये शॉर्टकट की नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आपने इसको लगाया तो वो वाली शॉर्टकट की फिर हाइपरलिंक के लिए काम नहीं करेगी। इसलिए कोई ऐसी शॉर्टकट लगाओ, आप नंबर्स में लगा सकते हैं। तो जैसे हमने लगाया कंट्रोल वन लगा करके आपको अजाइन पे क्लिक करना है। फिर जो दूसरा फॉन्ट आप जो भी इंग्लिश का फॉन्ट आप यूज़ करते हैं उसको सेलेक्ट करिए, जैसे कि हम यूज़ करते हैं टाइम्स न्यू रोमन, तो TIM लिखा, टाइम्स रोमन सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए हमने यहाँ पे बना दी शॉर्टकट की Ctrl+2, और Ctrl+2 करके अजाइन कर देंगे, अजाइन करके क्लोज कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप Ctrl+1 दबाएंगे तो आपका हिंदी फॉन्ट आया, Ctrl+2 दबाएंगे इंग्लिश फॉन्ट आया, Ctrl+1 हिंदी फॉन्ट, Ctrl+2 इंग्लिश फॉन्ट। तो देखिए, अगर आपको दोस्तों ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, दूसरी ट्रिक हमारी, जब कभी हम कोई पैराग्राफ अगर इस तरीके से लिखा होता है या हमने कहीं से डेटा कॉपी किया होता है तो उसमें क्या होता है, काफ़ी स्पेसेस लगे हुए आ जाते हैं, बीच में एक्स्ट्रा स्पेस लगे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें बीच में जो स्पेस लगे हुए हैं ये स्पेस हटाने हैं, इसमें से एक ही स्पेस रखना है, बाकी के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो हट जाएँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे, और रिप्लेस या Ctrl+H इसकी शॉर्टकट होती है, इसको आप दबाएंगे। इसमें आपको मोर ऑप्शन में आना है, और मोर में आकर के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्पेशल, स्पेशल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। स्पेशल में सबसे लास्ट का ऑप्शन आएगा वाइट स्पेस। जैसे आप वाइट स्पेस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे एक कैरेट के साइन के साथ में W बन के आएगा, तो W का मतलब वाइट स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो यहाँ पे क्या करें, हम इसकी जगह पर एक स्पेस लगा देंगे, यानी कि जितनी वाइट स्पेसेज हैं उनकी जगह पर हमें एक स्पेस चाहिए, और यहाँ पर कहते हैं रिप्लेस ऑल, तो आप देखेंगे इसको नो कर देंगे तो जहाँ भी हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेज लगे हुए थे वो सारे स्पेसेज हट जाएंगे, उनमें से एक स्पेस वहाँ पर रह जाएगा। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। तो दोस्तों, तीसरी ट्रिक है हमारी मर्ज पैराग्राफ। मर्ज पैराग्राफ का मतलब है जैसे कि ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है, मान लेते हैं ये एंटर कर करके इस तरीके से, मान लेते हैं यहाँ पे एंटर कर दिया है या फिर यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये अलग अलग पैराग्राफ में चेंज हो गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारा पूरा एक ही पैराग्राफ है, जब कभी हम कहीं से इंटरनेट से डेटा कॉपी करके लाते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम कहीं सामने आती है हमारी, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जितने भी पैराग्राफ हैं इनका हमें एक ही पैराग्राफ बनाना है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसी रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे, और रिप्लेस ऑप्शन में जाकर के आपने क्या करना है, मोर ऑप्शन में आएंगे, मोर में आके स्पेशल में, और स्पेशल में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा पैराग्राफ मार्क। देखिए, स्पेशल पे क्लिक किया तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा यहाँ पे पैराग्राफ मार्क, इस पर क्लिक करना है, और पैराग्राफ मार्क पर क्लिक करके आपको बस रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है बस, और नो कर देना है, फिर इसको हटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पैराग्राफ थे अलग अलग उन सभी का एक ही पैराग्राफ हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।
तो दोस्तों अगली ट्रिक हमारी कि एमएस वर्ड में जब भी हम कोई भी एग्जाम पेपर वगैरह बनाते हैं या कहीं भी हमें रुपीज़ वाले सिंबल की जरूरत होती है तो इस सिंबल को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों इस सिंबल को लगाने की एक शॉर्टकट होती है Alt+8377। जैसे आप Alt+8377 दबाएंगे आपके एमएस वर्ड में सिंबल बन जाएगा रुपीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप एक कोड और होता है 20B9, ये कोड आप लिखेंगे यहाँ पे 20B9 लिख करके और बिना स्पेस के आपने यहाँ पे प्रेस करना Alt+X और Alt+X दबाते ही वो करेंसी सिंबल में बदल जाएगा रुपीज़ में। ठीक है दोस्तों, तीसरा हम आपको बताते हैं कि कभी जैसे कि हमारे कीबोर्ड में ही एक रुपीज़ का साइन दिया होता है, अगर आपने देखा हो तो कीबोर्ड वाला जो रुपीज़ साइन है हमें अगर वो यूज़ करना है तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक काम करना पहले कि अपने कंप्यूटर में आपको लैंग्वेज यूज़ करने लैंग्वेज सेट करनी है इंग्लिश इंडिया। वो कैसे करेंगे, अगर आप विंडो 10 यूज़ करते हैं तो आपको सर्च में आना है, सर्च में जाकर के यहाँ पे सर्च करेंगे आप सेटिंग्स आप खोलिए यहाँ पे और सेटिंग्स में आके आपको एक ऑप्शन दिखाएगा टाइम एंड लैंग्वेज, इसमें आप क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन आएगा, इस लैंग्वेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लैंग्वेज में आप देखेंगे विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज, यहाँ पे ये आ रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश इंडिया। ये मैंने पहले से ऐड कर रखा है तो आपके में जैसे मैं इसको हटा देता हूँ तो इस तरीके से अब हमारे पास केवल इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड अ लैंग्वेज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए ऊपर इंग्लिश। तो जैसे हमने यहाँ पे इंग्लिश सर्च किया तो आप देखेंगे नीचे आपको मिल जाए इंग्लिश इंडिया, इसको सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करके आपको इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपकी वो लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए दोस्तों आपके उस समय, तो लैंग्वेज इंडिया है। तो जैसे आप लैंग्वेज इंडिया यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश इंडिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, दो लैंग्वेज आएंगे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और इंग्लिश इंडिया। इसकी शॉर्टकट होती है स्विच करने के लिए, अगर हम इसको स्विच कर सकते हैं Alt+Shift साथ आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश इंडिया पे जाते हैं तब आपके कीबोर्ड में जो करेंसी सिंबल दिया हुआ है आप उसको Alt+Ctrl के साथ में आप प्रेस करेंगे तो आपके कीबोर्ड से ही आप अपना करेंसी सिंबल आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक थी जिसके ज़रिए आप अपना करेंसी सिंबल बना सकते हैं। तो अगली ट्रिक हमारी दोस्तों कि एमएस वर्ड की फाइल पे पासवर्ड कैसे लगाएं। अगर आपकी कोई फाइल आप बनाते हैं और उस पर क्या होता है कि कोई आपकी फाइल को खोलता है और उसमें कुछ एडिटिंग कर जाता है या डिलीट कर जाता है, तो आप चाहते हैं कि आपकी फाइल को कोई ओपन ही ना कर पाए, उसको ओपन करके ना देख पाए, इसके लिए क्या करेंगे, आपने जैसे कोई भी फाइल आपने बनाई है कोई भी फाइल आपने टाइप की है, इसको सेव करिए या फिर सेव करने से पहले आपने क्या करना, दो पासवर्ड हम आपको बताएंगे। एक पासवर्ड जिससे आपकी फाइल ओपन तो हो जाएगी बट उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगा, दूसरा पासवर्ड हम बताएंगे कि उससे फाइल आपकी ओपन ही नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको दोनों पासवर्ड हम यहाँ पे बताएंगे। पहला पासवर्ड है जिससे एडिटिंग ना कर पाए कोई, फाइल में जाना आपको, फाइल में आके इन्फो में आके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ठीक है दोस्तों, तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में ये ऑप्शन क्लिक आएंगे और ये ऑप्शन आपको रिव्यू टैब के यहाँ पर भी मिल जाता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको टिक लगाना है नंबर 1 फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, नंबर 2 एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस और नंबर 3 यहाँ पे आएगा यस स्टार्ट इन्फोसिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे एक पासवर्ड टाइप करना है, जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहें वही पासवर्ड आपको नीचे टाइप करना है कन्फर्म करने के लिए और ओके कर देना है। तो आपकी फाइल पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग लग जाएगी, मतलब अब आपकी फाइल में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, मोर ऑप्शन पे आते हैं, ब्राउज करेंगे और इसको हम जैसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे गए और इसको हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल के नाम से सेव कर दिया। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इस फाइल को अगर ओपन करेगा, ये रही, यहाँ से इसको ओपन करेंगे ये फाइल ओपन तो हो जाएगी बट इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, ना तो कोई कुछ ऐड कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, ना कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकता, ना ही वो इसमें से कुछ डिलीट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है जिससे आपकी फाइल ओपन तो हो जाएगी बट एडिटिंग नहीं होगी। दूसरा पासवर्ड होता है, अच्छा अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको उसी ऑप्शन में आना है, या तो रिव्यू में जाइए या फाइल में आके उसी ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करेंगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको स्टॉप प्रोटेक्शन,
तो जो पासवर्ड आपने लगाया था प्रोटेक्ट करने के लिए वही पासवर्ड आपको दोबारा टाइप करना है और ओके कर देना है, तो आपकी फाइल पे से पासवर्ड हट जाएगा, तब आप अपनी फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम पासवर्ड लगाएंगे कि जिससे हमारी फाइल ओपन ही ना हो, तो फाइल में जा करके इन्फो में जाएंगे, इन्फो में आके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पे जाएंगे और हमने कोई पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया, एंटर करेंगे, फिर से वही पासवर्ड कंफर्म करने के लिए दोबारा टाइप करेंगे और अपनी फाइल को सेव ज़रूर करना आपको, क्योंकि जब भी हम कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंजिंग तभी आती है जब हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। क्लोज करते हैं। अब देखिए इस फाइल को जब कोई ओपन करेगा तो ये ओपन ही नहीं होगी, पासवर्ड मांगेगी, इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी ये फाइल ओपन होगी, तो हमने इसमें पासवर्ड टाइप किया तभी हमारी फाइल ओपन होगी वरना नहीं होगी। अगर ये पासवर्ड आप हटाना चाहते हैं तो उसी फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में जा करके इस पासवर्ड को डिलीट कर देंगे, ओके करेंगे और फिर से सेव कर देंगे, जिससे क्या होगा आप जब अब इस फाइल को दोबारा जब ओपन किया जाएगा तो ये फाइल बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये हो गई, अभी बिना पासवर्ड के ओपन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने एमएस वर्ड की फाइल पे प्रोटेक्शन आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो अगली ट्रिक हमारी कि कभी भी हमें जैसे कि एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट को हमें बार बार ओपन करना होता है तो क्या होता है कि हमें वो उसका आइकन ढूंढना होता है कि वर्ड कहाँ है, तब हम उसको खोल पाते हैं या फिर नीचे टास्क बार पिन होगा तो यहाँ से खोल सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि उस किसी एप्लीकेशन की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है हम तो उसकी शॉर्टकट की बना दें, केवल शॉर्टकट की दबाते ही हमारा वो एप्लीकेशन खुल जाए। तो क्या करना है कि जिस एप्लीकेशन की कोई सा भी एप्लीकेशन हो सकता हो उसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पर होना चाहिए और उस शॉर्टकट पर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना हो, प्रॉपर्टीज़ में जा करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट की, शॉर्टकट की में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की दबा देने, जो भी आप शॉर्टकट की आप बनाना चाहते हैं, तो जैसे कि हमने बनाया अल्फ़ाबेट में से अगर आप कोई भी शॉर्टकट की लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं वर्ड के लिए हम शॉर्टकट ही बना रहे हैं तो डब्ल्यू हम यूज़ करेंगे, जैसे केवल आप डब्ल्यू टाइप करेंगे तो अपने आप कंट्रोल ऑल्ट डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की असाइन हो जाएगी, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। ऐसे एक्सेल की बनानी तो एक्सेल पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पर जाना है और यहाँ पर आपको केवल एक्स लिख देना है, एक्सेल की अगर आप बनाना चाहते हैं एक्स तो एक्स बना दीजिए ओके। पावर पॉइंट की बनाने उसको सेलेक्ट करो, ऑल्ट एंटर प्रॉपर्टी की शॉर्टकट होती है, प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगी, तो हमने इसकी बना दी पी, यानी कंट्रोल ऑल्ट पी ओके। तो अब आपको आइकन ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब आपको कंट्रोल ऑल्ट डब्ल्यू आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पर एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अगली हमारी जो ट्रिक है वो है इमोजी, यानी कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम इमोजी कैसे ऐड कर सकते हैं, इस तरह जैसे आप इमोजी आप देख पा रहे होंगे, इस तरह के इमोजी अगर आपको लगाने होते हैं तो ये इमोजी हम किस तरीके से लगा पाएंगे अपने एमएस वर्ड में वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होता है, आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं, इसके लिए आपको एक काम करना है कि इंसर्ट में आकर के एक एड इन हमें ऐड करना होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरफ हमने एक एड इन यहाँ पे ऐड कर रखा है इमोजी कीबोर्ड। अब ये इमोजी कीबोर्ड कैसे ऐड होता है, इंसर्ट पे आपको जाना है, इंसर्ट में आके आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट एड इन, और गेट एड इन पे आपको क्लिक करना है, गेट एड इन में ये ऑप्शन एड इन पे ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पे सर्च करना है इमोजी, आप इमोजी सर्च करेंगे यहाँ पे सर्च मार दीजिए इसको, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इमोजी कीबोर्ड, इसको आपको ऐड कर देना है, ऐड करते ही आपके इंसर्ट टैब में यहाँ पे इमोजी का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिससे क्या होगा जब भी आपको कोई भी इमोजी आपको अपने डॉक्यूमेंट में लगानी है तब आपने इंसर्ट में आकर के इस इमोजी ऑप्शन पर क्लिक करना है इमोजी कीबोर्ड पर, तो आप देखेंगे इस साइड में इमोजीज यहाँ पर ओपन होकर के आएंगे। अभी तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे इमोजी आ गए हैं, जिसमें से जो भी इमोजी आपको लगाना है उस पर क्लिक करना है, आपके पेज में वही इमोजी इंसर्ट हो जाएगा, आपको बस क्लिक करना है। अब यहाँ पे इमोजी लगाने के इसमें दो टाइप दिए हुए हैं कि अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जब लगा हुआ तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आदमी यहाँ पे पेस्ट होंगे, टेक्स्ट की तरीके से काम करेंगे, सेलेक्ट करके आप फॉन्ट की तरह मतलब फॉन्ट साइज़ का जैसे हम साइज़ वगैरह बढ़ाते वैसे आप इमोजी का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट अगर आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना चाहते हैं, शेप्स की तरह या पिक्चर की तरह आप यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे और भी कई टाइप दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइज़ होते हैं अलग अलग, यहाँ पे अगर आपने 16 पिक्सल किया तो इंसर्ट एज एन एक्स्ट्रा स्मॉल इमेज, जब आप इस पर टिक लगा के रखेंगे और कोई भी इमोजी आप इंसर्ट करते हैं तो वो काफ़ी छोटे साइज़ में इमोजी आएगा और हल्की क्वालिटी का आएगा, अगर आप उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे
अलग अलग साइज दिए, जिसमें से सबसे बेस्ट साइज हमें जो लगा वो है एक्सेल। एक्सेल साइज काफ़ी अच्छा साइज आता है, ना ज़्यादा बड़ा होगा ना ज़्यादा छोटा। इस पर आप XXL कर देंगे तो वो काफ़ी बड़ा साइज आ जाएगा, इसलिए एक्सेल साइज में हम जाएंगे और जो भी इमोजी हमें लगाना है उस इमोजी पर हम क्लिक करेंगे, वही इमोजी हमारे पेज में इंसर्ट हो जाएगा, जिसको आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ छोटा कर सकते हैं चार साइड से, और एक शेप की तरह या एक पिक्चर की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक करिए, रैप टेक्स्ट में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और उसको आप कहीं भी आसानी से उठा करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इमोजी में आपको यहाँ पे कैटेगरी दी होती है अलग अलग टाइप की, जैसे ये एनिमल एंड नेचर है तो इसमें आपको एनिमल एंड नेचर के आपको इमोजी यहाँ पे दिखाई देंगे। इस तरह काफ़ी सारे मतलब इमोजी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमोजी यहाँ पे दिए गए, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे इमोजी यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी इमोजी आपको चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑनलाइन काम करेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तभी ये इमोजी आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ये भी ये वाला इमोजी लगाना है, इस पर क्लिक करिए, सीधा इंसर्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना, आपको रैप टेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्लिक करके रैप टेक्स्ट में आइए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिए, जिससे आप उसको मूव कर सकते हैं कहीं भी, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप उसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने MS वर्ड में इमोजी ऐड कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, वो विंडो 10 का फीचर है कि अगर आपके जैसे कंप्यूटर में अगर आप इमोजी कीबोर्ड नहीं आ पा रहा है, तो अगर आप विंडो 10 यूज़ करते हैं तो विंडो 10 में एक शॉर्टकट होती है विंडो प्लस फुल स्टॉप, और विंडो प्लस फुल स्टॉप दबाने पर भी आपको इमोजी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी इमोजी इंसर्ट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नीचे टाइप, किस टाइप का इमोजी आपको लगाना है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप आपको मिलेंगे, इनमें से जिस टाइप का आप इमोजी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सारे इमोजी यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं, ये विंडो 10 का फीचर है। अगर आपको करेंसी सिंबल लगाना है, आप यहाँ से करेंसी सिंबल भी लगा सकते हैं, जैसे आपने विंडो फुल स्टॉप लगाया, अगर आपने लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश इंडिया लगा रखी है तो जब आप विंडो फुल स्टॉप दबाएंगे इमोजी का ऑप्शन खुलेगा, इसी में एक ऑप्शन आता है सिंबल, और सिंबल पे जब आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पर भी रुपी का सिंबल मिल जाएगा, यहाँ से भी आप रुपी का सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कई तरीके हैं रुपी का सिंबल इंसर्ट करने के। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिक है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जब हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, तब जैसे कि फॉर्मेट प्रिंटर का यहाँ पे यूज़ बताएंगे कि मान लेते हैं अगर आपने वर्ड, जैसे ये हेडिंग बनी आपके वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये हेडिंग हमारी यहाँ पे बनी हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि वर्ड पे हमने कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग लगा रखी यहाँ पर, अब हम ये चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग जो वर्ड में लगी है वही हमें एक्सेल की हेडिंग में, पावर पॉइंट की हेडिंग में और एक्सेस की हेडिंग में भी वही हेडिंग हम यानी वही फॉर्मेटिंग हम लगाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जैसे एक हेडिंग सेट कर रखी है तो आपने क्या करना है, उस फॉर्मेटिंग के बीच में कर्सर रखिए जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए। तो आपने होम टैब के होम टैब में जाकर के फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना है। अगर आपने एक बार क्लिक किया तो आपके पॉइंटर के साथ में एक ब्रश का साइन आएगा, जिससे आप जिस वर्ड को सेलेक्ट कर देंगे उस वर्ड पर वही फॉर्मेटिंग आ जाएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने एक वर्ड को सेलेक्ट किया फिर वो हट जाएगा, अब आपको अगले पे लगाना फिर लेना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल वर्ड पे लगाना चाहते हैं एक साथ, तो आपने क्या करना, उसके बीच में कर्सर रखो जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करके आप जिस जिस वर्ड को सेलेक्ट करते जाएंगे उस पर वही फॉर्मेटिंग लगती चली जाएगी, एक साथ आप मल्टीपल वर्ड पर फॉर्मेटिंग आप लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। अगर इसको फॉर्मेट प्रिंटर को रोकना है तो या तो इसी दोबारा इसी पर क्लिक कर दो, या कीबोर्ड में एस्केप बटन दबा देंगे तो रुक जाएगा, तो आपकी एक ही मतलब एक हेडिंग पर जो फॉर्मेटिंग लगे वो बाकी की हेडिंग पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब आपने जैसे डॉक्यूमेंट्स बना लिए, अब आपका मन किया नहीं कि ये फॉर्मेटिंग हमें चेंज करनी है, मान लेते ये जो कलर लगा हुआ है इन जितनी भी हेडिंग्स हैं हमारी इस तरह की, उनमें सभी में हमें रेड कलर करना है या कोई और फॉर्मेटिंग करनी है। अब मान लेते 100-200 हेडिंग हम ऐसी बना चुके हैं, अब 100-200 हेडिंग पे अगर आप एक एक करके करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन वर्ड में जो भी फॉर्मेटिंग है इसी फॉर्मेटिंग के वर्ड और भी जितने हैं वो सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएं, ताकि हम सभी में एक साथ चेंजिंग कर सकें। तो आपने क्या करना है, इनमें से किसी भी एक वर्ड के बीच में कर्सर रखो जिसमें वो फॉर्मेटिंग है, उसमें अपना कर्सर रखेंगे और होम टैब के सेलेक्ट ऑप्शन में आना है, और सेलेक्ट में आके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले आप जो फॉर्मेटिंग आपको सेलेक्ट करनी है उसमें कर्सर रखो, और सेलेक्ट में जा करके
सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें तो उसी फॉर्मेटिंग के वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी होंगे सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, जिससे अब आप जो भी चेंजेस करना चाहेंगे उन सभी में आप एक साथ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे रेड कलर हमें देना है तो सभी में रेड कलर एक साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगली जो ट्रिक है हमारी वो है कि कभी खास करके जो लोग एग्जाम पेपर वगैरह बनाते हैं मैथ के पेपर, तो उन्हें इस तरह की जो इक्वेशन बनानी होती है वो काफ़ी दिक्कत आती है इस तरह की इक्वेशन बनाने में। तो अब आज की इस ट्रिक में हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरीके से ड्रॉ करके, माउस से आप ड्रॉ करके भी इस तरह की आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे चलिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की इक्वेशन हमें ड्रॉ करके बनानी है, पर एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिस 2019 या 21 में आपको मिलेगा, पुराने वर्जन में हो सकता है शायद ये ऑप्शन ना हो, तो 2019 और 2021 के वर्जन में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब के आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑप्शन में जाना है। इक्वेशन में देखिए यहाँ पे इक्वेशन, और इक्वेशन के ड्रॉप डाउन एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने पर आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें इंक इक्वेशन। जब आप सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इंक इक्वेशन में। जब आप इंक इक्वेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है मैथ इनपुट कंट्रोल, जिसमें लिखा रहा है राइट मैथ ईयर। राइट मैथ ईयर में क्या करें, इसको आप ट्रैक करके यहाँ से कॉर्नर से थोड़ा बड़ा कर लीजिए और जो भी इक्वेशन हमें बनानी है आपको बस ड्रॉ करनी है। जैसे कि आप ये वाली इक्वेशन देखिए, ये वाली इक्वेशन अगर हमें बनानी है यहाँ पे ड्रॉ करके, इस तरीके से आपको माउस को चलाना है और इस तरीके से आप ड्रॉ करते चलिए और बनाते चलिए, ऊपर आपको वो इक्वेशन दिखाई देती चलेगी। देखिए जो जो हम बना रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई देती चलेगी, इस तरीके से टाइप करते चलिए। अब जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अब इसने क्या किया यहाँ पे एक्स बना दिया ऊपर देखिए, जबकि हमें यहाँ मल्टीप्लाई बनाना है। तो क्या होगा, अगर जैसे आप आगे लिखेंगे एक तो वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, अगर नहीं बदलता है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सेलेक्ट एंड करेक्ट, तो आपको सेलेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना और जो वर्ड आपका गलत आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स दिखा रहा है जबकि हमें इसको मल्टीप्लाई का साइन बनाना है, तो इसको आप इस तरीके सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कुछ वर्ड आएंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन मार्क्स यहाँ पे साइन लगाना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे देखेंगे आप वो चेंज हो जाएगा, फिर राइट पे आ जाएंगे, वापस फिर से राइट करना शुरू कर देंगे हम। इस तरीके से आप ड्रॉ करके भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसने एक्स बना दिया, अब जैसे आप आगे टेक्स्ट लिखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मल्टीप्लाई में बदल जाता है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। अगर नहीं हो रही है तो सेलेक्ट एंड करेक्ट पे आके आप कर सकते हैं, इंसर्ट पे जब आप क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके पेज में वही इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके भी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगली जो ट्रिक है हमारी दोस्तों वो ये है कि एक ही डॉक्यूमेंट में अगर हमें अलग अलग बॉर्डर लगाने होते हैं, पेजेस पे अलग अलग ऑरिएंटेशन चाहिए एक ही डॉक्यूमेंट में, तो वो कैसे करेंगे। देखिए जैसे मैं आपको जूम आउट करके यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पेज में यहाँ पे ऑरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट है, सेकंड में लैंडस्केप है, फिर थर्ड में फिर पोर्ट्रेट है। फर्स्ट पेज में अलग बॉर्डर लगाए, सेकंड में अलग बॉर्डर लगाए, थर्ड में अलग बॉर्डर लगाए, तो एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग ऑरिएंटेशन या अलग अलग बॉर्डर हम कैसे लगा सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक न्यू डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया जिसमें आप देखेंगे कि कुछ पैराग्राफ यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये तीन पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए तो हम क्या करते हैं कि अभी हमारे पास, अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि जब हम ऊपर जो मार्जिन वाला एरिया होता है वहाँ डबल क्लिक करेंगे तो हेडर वाला ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप देखें केवल हेडर लिखा हुआ आ रहा है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे केवल फुटर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से कंट्रोल के साथ एंटर किया, नेक्स्ट पेज पर गए तो हमारे पास अभी दो पेज हो गए। ठीक है, तो अभी भी डबल क्लिक करें तो अभी भी देखो हेडर ही लिखा हुआ आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे इसके आगे हमने यहाँ से कंट्रोल के साथ एंटर किया, नेक्स्ट पेज पे गए, अब जो ऊपर के जो दो पेज हैं उनका ही हमें, उन पर हमें एक अलग बॉर्डर चाहिए, और जो यहाँ से जो पेज है, ये वाला जो पेज है, यह मान लेते जैसे बीच वाला पेज है इसका ओरिएंटेशन हमें लैंडस्केप चाहिए, और ये पहला और तीसरा जो है इसका हमें ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट चाहिए। आपने करना क्या है, देखो मैं जूम आउट आपको करके दिखा देता हूँ, पहले ये हमारे पास तीन पेज हैं, तो दूसरे पेज में हमारा कर्जर रखा है, तो लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है ब्रेक, और ब्रेक में यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में अगर आपने नेक्स्ट पेज किया तो क्या होगा, आपके कर्जर से आगे जो भी लिखा है वो उस वाले पेज से हट के अगले पेज पे जाएगा और वहाँ से सेक्शन ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अलग सेक्शन बन जाएगा। कंटिन्यू करेंगे तो आपका कर्जर जो मैटर है वहाँ पर वहीं उसी पेज पर रहेगा, बट आपका सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया
तब आप देखेंगे हेडर में जब हम डबल क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें लिखा रहा है सेक्शन वन। अब जिस पेज पे से हमने सेक्शन ब्रेक किया था वहाँ पे सेक्शन टू स्टार्ट हो गया और इसके आगे के जो पेज है वो सेक्शन टू में ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ से भी हमें अलग सेक्शन बनाना है इस वाले पेज से, तो जहाँ से भी आपको सेक्शन ब्रेक करना उस पेज पर जाइए, कर्जर रखिए, लेआउट में आके ब्रेक्स में आके आपको सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज से सेक्शन ब्रेक करना है तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करो, उसी पेज से करना है तो कंटिन्यूस करेंगे। तो अब आप देखेंगे डबल क्लिक करके तो आप देखेंगे कि पहले पेज पे आ रहा है सेक्शन वन, दूसरे पर आ रहा है सेक्शन टू और तीसरे पर आ रहा है सेक्शन थ्री। अब हमारे ये तीनों पेज के अलग अलग सेक्शन हैं। अब जिस पेज पे हमारा कर्जर है तो लेआउट में जा करके जब आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो आप देखेंगे उसी सेक्शन का पेज जो होगा उसी का ओरिएंटेशन चेंज होगा, बाकी का नहीं होगा। अब ये सेक्शन टू में हमारा कर्जर है इस समय, तो सेक्शन टू के बाद में जब हम काम करते हुए एंटर करते हुए जाएंगे जैसे पेज भर जाए तो अगला जो पेज आएगा वो भी ओरिएंटेशन उसका लैंडस्केप ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो पेज है वो भी सेक्शन टू का ही पेज है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये हमारा अलग सेक्शन है, ये दो पेज हैं इनका एक अलग सेक्शन है। तो जैसे पहले पेज में कर्जर ले गए तो डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में आके पेज बॉर्डर ऑप्शन आएगा और पेज बॉर्डर में आके यहाँ से हमने कोई भी लाइन स्टाइल सेलेक्ट की, यहाँ से उसकी चौड़ाई सेलेक्ट कर लेंगे, कलर वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट अगर लगा होगा तो ये बॉर्डर हमारे जितने भी पेज हैं उन सभी पे अप्लाई हो जाएगा, अंडो कर देते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि हमें केवल इसी सेक्शन के पेज पे लगाना है। तो पेज बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से हम लाइन स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, चौड़ाई सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अप कर देंगे दिस सेक्शन। ओके, तो उसी सेक्शन के जितने पेज होंगे उन्हीं पे वो बॉर्डर लगेगा। जैसे ये सेक्शन टू है, सेक्शन टू के हमारे दो पेज हैं तो इस सेक्शन में हमारा कर्जर है। अब पेज बॉर्डर में गए, पेज बॉर्डर में आके आप यहाँ पे आर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये आर्ट हमने सेलेक्ट किया, दिस सेक्शन पे गए और दिस सेक्शन करेंगे ओके, तो इसी सेक्शन के जितने पेज होंगे उन्हीं पे वो बॉर्डर अप्लाई होगा, बाकी सभी पे नहीं होगा। अगर आप होल डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो बॉर्डर सभी पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग ओरिएंटेशन या अलग अलग बॉर्डर लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ट्रिक है हमारी कि जैसे अलग अलग फाइल हैं और उनका जो डेटा है वो हमें एक ही फाइल में मर्ज करना है। जैसे हमने एक फाइल बनाई है वर्ड के बारे में, जिसमें वर्ड के बारे में लिखा है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये जो फाइल है इसमें वर्ड के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दूसरी फाइल हमारी है एक्सेल की, इसमें एक्सेल के बारे में लिखा हुआ है, ये है एक्सेल के बारे में लिखा है। तीसरी हमारी पावर पॉइंट, इसमें पावर पॉइंट के बारे में लिखा है। अब हम ये चाहते हैं ये जो तीनों फाइलों का जो डेटा है वो हमें एक ही फाइल में मर्ज करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, एमएस वर्ड का हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लिया। अब उस न्यू डॉक्यूमेंट में हमें उन तीनों फाइलों का जो डेटा है वो हमें एक साथ यहाँ पे लेके आना है, यानी तीनों फाइलों का डेटा मर्ज करना है। तब आपने इंसर्ट में आना है, इंसर्ट में जाके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करें, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर जा करके आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो फाइल जिनका डेटा आपको मर्ज करना है। तो हम गए डेस्कटॉप पर, जहाँ भी आपके वो फाइल्स हैं उस आपको उस फोल्डर में जाना है और उन फाइलों को सेलेक्ट करना है, या वन बाई वन कर एक एक करके भी आप कर सकते हैं, और इंसर्ट पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि उन तीनों फाइलों का जो डेटा अलग अलग था वो हमारे एक ही फाइल में मर्ज हो करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अलग अलग मल्टीपल फाइल का डेटा एक ही फाइल में कर सकते हैं। तो अगली जो ट्रिक है हमारे दोस्तों वो ये है कि अगर कई बार जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बार बार हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है एक जैसा है, तो हमें क्या होता है बार बार पेज सेट करना होता है, बार बार फॉन्ट सेट करना होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट जो भी पेपर साइज हमें यूज़ करना होता है, जो भी ओरिएंटेशन यूज़ करना होता है, तो हम उसको एक बार सेट करें। जब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट खोलें एमएस वर्ड का तो उसमें हमें पहले से पेज सेट मिले, हमें बार बार पेज सेट ना करना पड़े, हमें बार बार फॉन्ट सेट ना करना पड़े। तो वो कैसे करेंगे देखिए, जैसे लेआउट में गए, लेआउट में आके पेज सेटअप है, पेज सेटअप में हमने पेपर साइज लिया, मान लेते हमें A4 साइज यूज करना होता बार बार, तो A4 ले लिया। ओरिएंटेशन हमें पोर्ट्रेट रखना होता है तो पोर्ट्रेट ले लिया। मार्जिन हमें नैरो रखना होता है तो नैरो ले लेंगे। तो ये हमने अपना पेज सेट कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि जो पेज सेटअप इस समय हमने कर रखा है यही है, जब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट खोलें एमएस वर्ड खोलें तो हमें पहले से यही पेज सेटअप हमें मिले। तो आपने क्या करना, पेज सेटअप के इस कॉर्नर पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा। इस पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में आप देखें सबसे नीचे ऑप्शन आपको दिखाया है सेट एज डिफ़ॉल्ट, पहले आप जो भी सेट करना है वो सेट कर लीजिए, सेट एज डिफ़ॉल्ट करके इसको यस कर देंगे। जैसे आपने यस कर दिया तो अब देखिए इसको हटा देते हम, और इसको हटाने के बाद
जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो एमएस वर्ड ओपन करने पर आप देखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब भी हम लेंगे तो इसमें ऑलरेडी वही पेज सेटअप हमें मिलेगा जो हमने सेट कर रखा है। देखिए दोस्तों, लेआउट में गए, देखो साइज A4 लगा हुआ है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लगा, मार्जिन नैरो लगा है। तो अब आपको बार बार ये पेज सेटअप नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार सेट करके उसको डिफॉल्ट सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक जब भी आप एमएस वर्ड खोलेंगे उसमें वही पेज सेट आपको मिलेगा। ऐसे आप फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ तो कोई फॉन्ट हम बार बार यूज़ करते हैं, वही फॉन्ट हमें बार बार लगाना होता है, तो हम यहाँ पे फॉन्ट सेट कर लीजिए। जैसे हमें टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज़ करना है, फॉन्ट का साइज़ हमें मान लेते हैं 14 यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे एक बार सेट कर लेंगे और फॉन्ट ऐसे फॉन्ट के यहाँ पे डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट होती है, इसमें जा करके यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो सेट कर लो और सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह देंगे ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो अभी जैसे यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लगा 14 लगा, इस फाइल को हमने हटा दिया। अब हम दोबारा एमएस वर्ड ओपन करते हैं। तो जैसे हमने एमएस वर्ड ओपन किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से देखो फॉन्ट यहाँ पे लगा हुआ है, टाइम्स न्यू रोमन लगा हुआ है और 14 साइज यहाँ पे 14 आया है। तो अब आपको ये पेज ये फॉन्ट और साइज बार बार सेट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपना डिफॉल्ट पेज सेटअप और डिफॉल्ट फॉन्ट और साइज सेट कर सकते हैं ताकि बार बार आपको टाइम वेस्ट ना हो। अगली ट्रिक है हमारी टेबल ड्रॉ करने की, कि कई बार क्या होता है कि हम लोग टेबल बनाते हैं तो जब हम यहाँ से इंसर्ट करके टेबल बनाते हैं इसमें क्या होता है सेम साइज़ के हमारे पास रो और कॉलम आते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमें अपने हिसाब से कोई कॉलम छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है या एक ही कॉलम में से दो रो बनाने है, इस तरीके से हमें काम करना है। इसे इंसर्ट में आके टेबल वाले ऑप्शन में आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉ टेबल। जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉ टेबल, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पॉइंटर है वो पेंसिल में बदल जाता है, जिससे आप ड्रॉ करके या जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो आप खुद की टेबल ड्रॉ कर पाए, जिसमें आप चाहें कोई कॉलम छोटा रखना है तो छोटा रख सकते हैं, बड़ा रखना है तो बड़ा रख सकते हैं, इस तरीके से आप अपने हिसाब से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और सीधी सीधी लाइन बनेगी। यहाँ पे आप इसमें से दो कॉलम बना दें तो दो कॉलम बना देंगे, इसमें से रो बनाने तो रो बना देंगे, इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप टेबल ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपका टेबल का यहाँ पे लेआउट टैब खुल के आता है, सबसे लास्ट में खुल के आएगा और इसमें आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा इरेजर। तो अगर कोई भी लाइन आपने बनाई जो एक्स्ट्रा बन गई, आपको मान लेते वो लाइन नहीं बनानी थी, तो इरेजर पे जाके आप उसको लाइन को क्लिक कर दीजिए, ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए, वो लाइन इरेज हो जाएगी। तो जितना आप सेलेक्ट करते हैं उतना इरेज होता जाएगा। दोबारा ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे फिर अपने हिसाब से आप बनाते चलिए। तो इस तरीके से आप खुद की टेबल ड्रॉ करके बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगली हमारी जो ट्रिक है वो ये है कि अगर एमएस वर्ड में हम इस तरह की टेबल बनाते हैं तो एक टेबल में ऐसे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, उनका अगर हमें टोटल करना होता है तो उसके लिए आपको एक्सेल वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी में एमएस वर्ड में ही टोटल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, टेबल के टोटल वाले सेल में कर्सर रखिए। टेबल में जब कर्सर होगा आपको ऊपर यहाँ पे दो टैब दिखाई देंगे टेबल के, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। तो सबसे लास्ट में आएगा लेआउट, यहाँ पे ध्यान रखना दो लेआउट आपको मिलेंगे, एक लेआउट ये है, ये जो लेआउट है वो पेज सेटअप कर लिए, ये वाला जो लेआउट है लास्ट वाला वो टेबल का लेआउट है। तो टेबल के लेआउट में आपको जाना है और इसके सबसे लास्ट वाला ग्रुप आएगा डाटा, डाटा का भी सबसे लास्ट ऑप्शन आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला में जाकर के आपको बस ओके कर देना है। यहाँ पे देखेंगे आप फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा बराबर सम ब्रैकेट में लेफ्ट, यानी कि इसमें क्या होगा लेफ्ट के जो नंबर्स हैं उनका सम यहाँ पे हो जाएगा। इस सम को आपको क्या करना है, एक का सम जब आप कर लेंगे इसको कॉपी करना है, कॉपी करके नीचे के जो सेल उनमें पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी और फंक्शन की F9 दबाएंगे, F9 दबाते ही सबके नंबर अपडेट हो जाएंगे। ऐसे आपको इन नंबरों का यहाँ पे नीचे टोटल करना है, तो सेम आपको वही प्रोसेस करनी है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है लेआउट के फॉर्मूला में। अब यहाँ पे लगा आएगा फॉर्मूला बराबर सम ब्रैकेट में एबव मतलब ऊपर वाली संख्याओं का सम हो जाएगा, तो इसको भी आपने कॉपी करना है, कॉपी करके बाकी सभी में पेस्ट कर देना कंट्रोल वी और F9 दबा देंगे, F9 दबाते सबका टोटल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में भी टोटल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली जो ट्रिक हमारी वो ये है कि हमें ऑटोमेटिक लाइंस बनानी होती है, तो आपको इंसर्ट में आके शेप्स वगैरह नहीं लेनी है, ना ही आपको बॉर्डर मैश लगाना है। अगर आपको डायरेक्टली आप लाइन बनाना चाहते हैं अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जहाँ भी आपको लाइन बनाना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 3 बार माइनस आपको दबाना है और एंटर करना है। 3 बार माइनस दबाते ही आपकी एक लाइन बन करके आ जाएगी, जो कि बॉर्डर, ये जो लाइन बन करके आती है वो एक्चुअल में बॉर्डर होता है। तो यहाँ से जा करके अगर आप इसको नो बॉर्डर कर देते हैं तो वो लाइन हट भी जाएगी। अगर आपको थोड़ी डार्क लाइन चाहिए तो आपको शिफ्ट के साथ माइनस दबाना है 3 बार और जब आप एंटर करें तो डार्क लाइन आएगी, और अगर आपने डबल लाइन चाहिए तो आपको 3 बार बराबर का साइन लगाना और एंटर करिए तो डबल लाइन में आपका बॉर्डर आ जाएगा।
अगर आप 3 बार स्टार दबाते हैं यहाँ पे एंटर करेंगे तो डॉट डॉट वाली लाइन बन करके आ जाएगी। अगर आपको जिगजैग वाली लाइन चाहिए तो आपने 3 बार यहाँ पे टिल्ट दबाना है और एंटर कर देना है, तो इस तरीके से जिगजैग लाइन आ जाएगी। तो आपको आप इंसर्ट में जा कर के शेप्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लाइन बना सकते हैं अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगली हमारी जो ट्रिक है वो है शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पीएनबी और एंटर किया, आप देखें पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ आ गया। तो ये चीज़ कैसे करते हैं चलिए आपको सिखाते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि कोई वर्ड हमें बार बार यूज़ करना होता है तो हम उसको शॉर्ट में लिखें और शॉर्ट में लिखते ही उसका पूरा नाम लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, फाइल में आके ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाके आपको प्रूफिंग में जाना है और प्रूफिंग में आकर के आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर ऑटोमेटिक सेट होते हैं पहले से। अगर आपने मान लेते इस तरीके से लिखा ब्रैकेट स्टार्ट किया सी लिखा ब्रैकेट क्लोज किया तो इस तरह कॉपीराइट का साइन बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर इसमें ऐड होते हैं तो अगर आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रिप्लेस में आपको वर्ड लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एस सी आई, हमने यहाँ पे टाइप किया और हमने लिख दिया यहाँ पे एस सी आई के फुल फॉर्म, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप किया और ऐड कर दिया, ओके कर देंगे ओके। तो जैसे हम एस सी ई आई लिख के स्पेस करेंगे या एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वो पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो अगली ट्रिक है दोस्तों हमारी ऑटोमेटिक नंबरिंग लगाना। जैसे हमने यहाँ से नंबरिंग लगाते तो आपको यहाँ से नंबरिंग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर नंबरिंग लगानी है तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको चाहिए आपको क्या करना है, 1 डॉट लगाना है और टैब दबाना है। टैब दबाते ही वो ऑटोमेटिक नंबरिंग में बदल जाएगी। अगर आपने जैसे कि आपको ए बी सी डी वाली नंबरिंग चाहिए तो आप ए डॉट लिख के टैब दबाइए तो ए बी सी डी में नंबरिंग आएगी। अगर आपको कैपिटल ए बी सी डी में चाहिए तो आप कैपिटल ए लिखिए और डॉट लगाइए तो आपकी नंबरिंग कैपिटल ए बी सी डी में आएगी। तो आपको बस डॉट लगा करके टैब दबाना है, ऑटोमेटिक नंबरिंग में बदल जाते हैं। डॉट की बजाय अगर आप ब्रैकेट बनाना चाहें, जैसे 1 ब्रैकेट लगाना चाहें आप और टैब दबाइए तो आपकी नंबरिंग ब्रैकेट में ही आएंगी। या फिर आपको दोनों तरफ ब्रैकेट चाहिए तो ब्रैकेट स्टार्ट करो, 1 लिखो, फिर ब्रैकेट क्लोज करो और फिर टैब दबा दो तो आपकी नंबरिंग में दोनों तरफ ब्रैकेट आता है। तो ये शॉर्टकट होता है दोस्तों नंबरिंग बनाने का। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर आप कोई भी सिंबल बुलेट यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमें अगर कोई सिंबल यूज़ करना होता है तो हम बुलेट में आते हैं, फिर डिफाइन न्यू बुलेट में आते हैं, फिर सिंबल में आते हैं, फिर यहाँ से सिंबल चूज करते हैं। तो आपको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है सिंबल में, आपको सिंबल की शॉर्टकट की लगानी है। Alt IS दबाएंगे आप, Alt IS दबाने पर सारे सिंबल आपके सामने आ जाएंगे। अब जो भी सिंबल आपको लगाना है उस सिंबल को सेलेक्ट करके आपने इंसर्ट करना है, क्लोज करना है, जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ पे वो सिंबल आ जाएगा। अब टैब बटन आपको दबा देना बस, और टैब दबाते ही वो ऑटोमेटिक नंबर बुलेट में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई सिंबल भी बुलेट में आप लगा सकते हैं, कोई भी। Alt IS दबाना बस आपने, Alt IS दबा के सिंबल आपको मिलेंगे, जो भी सिंबल आपको चाहिए। यहाँ से फॉन्ट बदल लीजिए, अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग टाइप के सिंबल आते हैं, तो जो भी सिंबल आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए, क्लोज करिए और टैब दबा दीजिए। टैब दबाते ही वो सिंबल हमारा बुलेट बन करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप शॉर्टकट तरीके से बुलेट और नंबरिंग आप लगा सकते हैं। तो अगली जो ट्रिक हमारी दोस्तों वो ये है कि जैसे कभी हम कोई डॉक्यूमेंट अगर बनाते हैं उसका प्रिंटआउट निकाल लेते हैं और हमें लगता है कि उस फाइल को अब हमें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको खोल करके उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, या मान लेते 1 साल बाद हमें उस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, 1 साल बाद हम चाहते हैं कि जैसे हम भूल ना जाए कि हमने वो फाइल अपने कंप्यूटर में कहाँ पर सेव कर रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी फाइल को जब हम प्रिंट आउट करें, उसकी निकालें, प्रिंट निकालें, तो उस प्रिंट में हमारी फाइल की जो लोकेशन है वो लोकेशन प्रिंट होनी चाहिए, हेडर में या फुटर में आप उसको लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वो कैसे लगाएं देखिए, तो हेडर वाले एरिया में या फुटर वाले एरिया में आपको क्या करना है, डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करके आपका कर्सर सीधा फुटर में आ जाएगा, और फुटर में जब हम क्लिक कर्सर होगा तब आपको यहाँ पे एक टैब दिखाई देगा, हेडर एंड फुटर। और हेडर एंड फुटर टैब के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया डॉक्यूमेंट इन्फो, और डॉक्यूमेंट इन्फो में जा करके आपको फाइल पाथ पे क्लिक कर देना है। फाइल पाथ पे क्लिक करते ही आपकी फाइल की पूरी लोकेशन यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी कि आपकी फाइल कहाँ पर सेव्ड है। ठीक है दोस्तों, क्लोज हेडर एंड फुटर कर दे, तो जब भी आप कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो जब प्रिंट आउट निकलेगी तो उस प्रिंट आउट में आपकी फाइल की लोकेशन लिखी हुई आएगी। तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगी उस फाइल की तो आप उसके इसमें पैथ पढ़ करके और आप अपनी उस फाइल को ढूंढ सकते हैं कि आपकी वो फाइल आपके कंप्यूटर में कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी फाइल की लोकेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो
अगली जो ट्रिक हमारी दोस्तों वो ये है कि अगर हमें कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें बार बार कॉपी करके बार बार पेस्ट करने होते हैं, कुछ अलग अलग वर्ड हमें बार बार कॉपी करने होते हैं, तो हम क्या करें उनको एक बार कॉपी करके रखें और फिर आपको बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम क्लिप बोर्ड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। क्लिप बोर्ड पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिप बोर्ड खुल करके आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी वर्ड आप कॉपी करेंगे, जैसे आपने पावरफुल को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आप देखेंगे वो चीज़ कॉपी होती चली गई। अब जैसे हमने हेडर फोटो को क्लिक किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट को हमने कॉपी किया, ये यहाँ पे ऐड हो गया। कोऑर्डिनेटेड को कॉपी किया हमने, कंट्रोल सी, ये ऐड हो गया। इस तरीके से हम 24 कॉपीज यहाँ पे हम इसमें रख सकते हैं। अब जहाँ भी हमारा कर्सर, वहाँ पे आपको जो भी चीज़ पेस्ट करने, बस आपको उस पर क्लिक कर देना, वही चीज़ आपके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो आपको अब उसको बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपने जो भी चीज़ें कॉपी की हैं आप एक साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट ऑल पर आप क्लिक करें तो जो जो चीज़ आपने कॉपी कर रखी है क्लिपबोर्ड में, आपका जो भी कॉपी होगा वो सब एक साथ पेस्ट हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपका एमएस वर्ड के अंदर ही काम करेगा, जैसे क्लिपबोर्ड खुला हुआ है या फिर आप किसी भी दूसरे, जैसे इंटरनेट से, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम कोई दूसरी फाइल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इंटरनेट से अगर हम कुछ डेटा यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं, कुछ अलग अलग डेटा हमें एक वेबसाइट से कहीं से उठाना है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल पर गए और कुछ हमने सर्च किया यहाँ पर किसी वेबसाइट पर आकर के, और लाइक ये वाली वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, इसमें से कुछ टॉपिक हमें चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने कोई यहाँ पे एक वेबसाइट खोली, इसमें से अब कुछ टॉपिक हमें चाहिए, मान लेते ये टॉपिक हमें चाहिए, तो हम इसको कंट्रोल सी करेंगे, और कंट्रोल सी करने पर यहाँ पे आप देखेंगे 1/24 दिखा रहा है इस तरफ, क्लिपबोर्ड में एक कॉपी ऐड हो गई। अब हमें ये वाला एरिया छोड़ करके, अब जैसे यहाँ से हमें ये वाला चाहिए तो इसको हमने कंट्रोल सी किया, आपने बस कंट्रोल सी करते चलना है जो जो चीज़ आपको चाहिए। अब जैसे हमें मान लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर का ये टॉपिक चाहिए, हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, या अब हमें जैसे मान लेते सुपर कंप्यूटर वाला चाहिए तो ये एरिया हमने सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी किया। तो आपको बस कॉपी करते चलना है, कॉपी करने के बाद आप एमएस वर्ड में आ जाइए तो आप देखेंगे यहाँ क्लिपबोर्ड में वो सारी कॉपी यहाँ पे ऐड हो गई हैं। अब वो जो डेटा आपने कॉपी किया हुआ है अलग अलग जगह से, आपको क्या करना है, बस आप पेस्ट ऑल पे क्लिक करना और आपका वो सारा डेटा एक साथ पेस्ट हो जाएगा जो जो आपने अलग अलग जगह से कॉपी किया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्लिपबोर्ड ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली जो ट्रिक हम आपको बताने आ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कभी आप कोई एग्जाम पेपर बनाते हैं या कोई नोट्स आप बना रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, उसमें बनाते समय क्या हुआ कि उसका 3 या 4 लाइन जो है वो आपके अलग पेज में जा रही है, जिसको आप चाहते हैं कि उसके लिए आपको दूसरा पेज नहीं ख़राब करना है या दूसरे पेज में नहीं चाहिए, वो जो थोड़ा सा मैटर आपके अलग पेज में जा रहा है उसको भी आपको पहले पेज में ही करना है। या तो आप मैनुअली आप सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज कम करेंगे, या फिर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आपको बस सिंगल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करते ही आपका जो दो पेजों का जो डेटा है वो आपका ऑटोमेटिक एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, कि इसमें आपको क्विक एक्सेस टूल बार के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, इसमें आपको जाना है मोर कमांड पे, मोर कमांड में जाकर के आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इसमें आपको ऑल कमांड्स पे क्लिक करना है, और ऑल कमांड में यहाँ पे सारे कमांड यहाँ पे अभी ओपन होकर के आएंगे, और उस ऑल कमांड में से अभी यहाँ पे ऑल कमांड ओपन होकर आ गई, आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे श्रिंक टू 1 पेज, यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा श्रिंक 1 पेज, देखिए ऑल कमांड में श्रिंक 1 पेज, इस श्रिंक 1 पेज पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड कर देना। ऐड करने पर क्या होगा, वो आप ऑप्शन आपके क्विक एक्स टूल वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, आप अपने में ऐड कर लेना, ओके कर देना। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया श्रिंक टू फिट, देन आपने क्या करना है, तो बस आपको श्रिंक टू फिट पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही आपका जो मैटर दो पेज में था वो ऑटोमेटिक एक ही पेज में एडजस्ट हो जाएगा, आपको फॉन्ट साइज वगैरह करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। तो आप एक बार में सिंगल क्लिक से ही आपके जो दो पेजों का जो डेटा है वो आप एक पेज में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप एकदम जीरो लेवल से कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साके कंप्यूटर को, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एक इंस्टीट्यूट की तरह कंप्यूटर कोर्स की बेसिक से लेकर एडवांस तक की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर बिल्कुल भी काम करना नहीं जानते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।